आज का जो हमारा वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर लाइट जो है वो नहीं जल रही है। यहाँ पर मैंने पावर ऑन किया हुआ है। आइए सबसे पहले स्टैंड बाई वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करने हैं और यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है, ठीक है। और दूसरी सप्लाई जो चेक करेंगे हम वो है 5 वोल्ट, 12 से 5 बने, ठीक है। उसके बाद 3.3 वोल्ट के लिए स्टैंड बाई रेगुलेटर यहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं 2.7 वोल्ट आ रहा है जबकि 3.3 होना चाहिए। इनपुट पे देख लेते हैं 5 वोल्ट सही है क्या, या 5.13 आ रहा है, दैट मीन्स इनपुट सही है, आउटपुट लोडिंग है। एक प्रॉब्लम हमें यहाँ दिख रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1.8 वोल्ट रेगुलेटर जो स्विच बाद में होना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 वोल्ट इसको पहले से ही मिल गए लेकिन 1.2 वोल्ट आ रहे हैं रेगुलेटर में। सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ये जो 3.3 वोल्ट है उसको सही करना। और 1.2 वोल्ट की क्या हालत है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.15 वोल्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स ये ओके है। अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है 2.7 जबकि आने चाहिए 3.3। तो सबसे पहले हम ये रेगुलेटर रिप्लेस करके देख लेते हैं। इससे अगर जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये प्रोसेसर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मेरे पास 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर हम सबसे पहले रिप्लेस करके देखेंगे। येलो इंडिकेटर आ गया और यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके हो गए। अब 1.8 वोल्ट जो गलत आ रहे थे आप यहाँ देख सकते हैं 1.8 वोल्ट भी नॉर्मल हो गए। यहाँ पे हमारा ये रेगुलेटर ख़राब था जिसके वजह से स्टैंड बाई वोल्टेज जो है वो डिफेक्टिव होने की वजह से आपकी इंडिकेटर लाइट भी नहीं जल रही थी। ये फॉल्ट हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी। अभी पैनल वोल्टेज क्या बन गए हैं 12 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड रिपेयर हो गया है दोस्तों और इसमें फॉल्ट था 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर था वो ख़राब था, जो कि 5 वोल्ट इनपुट तो ओके था लेकिन 3.3 वोल्ट इफेक्टिव था, उसकी जगह 2.5 कुछ वोल्ट आ रहे थे। और यहाँ पर भी 1.8 की जगह पर 1.2 वोल्ट आ रहे थे। ये दोनों ही रेगुलेटर पे आउटपुट डिफरेंट था लेकिन क्योंकि ये स्टैंड बाई का रेगुलेटर फर्स्ट काम करता है उसके बाद 1.8 वोल्ट का। यहाँ आप देख सकते हैं अभी स्विचिंग हम जब ऑफ करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने स्टैंड बाई कर दिया है टीवी को और स्टैंड बाई में ये रेगुलेटर आउटपुट नहीं देगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ये रॉन्ग आउटपुट दे रहा था उस समय पर और यहाँ इनपुट भी नहीं है क्योंकि यहाँ ये जो मॉस्फेट है ये 5 वोल्ट आउट नहीं करेगा स्टैंड बाई में, ठीक है। ये ऑन होने के बाद ही आउटपुट देगा। यहाँ भी ऑन किया मैंने, उसके बाद ये ड्रेन पे 5 वोल्ट आ गए और ये यहाँ पर दिखने लगेगा। ये देख सकते हैं आप ये 1.8 वोल्ट ओके है